I am Dr. S.K. Singh. I did my position in Ayurvedic surgery. I am a surgical specialist in Ayurveda. And presently, I am running Sushruta and our institute at Rohini, New Delhi. दोस्तों आज हम बात करते हैं पाइलोनिडल साइनस रोग के बारे में. ये रोग यूजुअली उन व्यक्तियों में उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी स्किन पे हेयर्स ज़्यादा होते हैं. हेयरी स्किन में इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा रहती है. होता क्या है पाइलोनिडल साइनस रोग, हम जानना चाहेंगे तो आप लोग जानना चाहेंगे तो हम इसके बारे में बताते हैं. पाइलोनिडल साइनस रोग में पीठ के पिछले हिस्से में जस्ट हिप्स के जस्ट ऊपर मिड लाइन में एक छोटी सी फुंसी होती है जिसमें से कभी कभी डिस्चार्जेस पाए जाते हैं. ये डिस्चार्जेस वाटरी ब्लड लीक्स या पस डिस्चार्जेस होते हैं और कभी ये डिस्चार्जेस होते हैं और निकलने के बाद ये कई बार फुंसी सूख भी जाती है. कुछ दिनों तक ये सूखी रहती है लेकिन दोबारा फिर इसमें डिस्चार्ज होते रहे. इस तरह से ऑफ एंड ऑन डिस्चार्जेस इस और एक फुंसी का होना और वो भी पीठ के निचले हिस्से में इस रोग का पाइलोनिडल साइनस रोग का प्रधान लक्षण है. ज़्यादातर बच्चों में स्कूल गोइंग बच्चों में या कॉलेज गोइंग यूथ्स में ये प्रधान रूप से देखा जाता है और रोग की प्रारंभिक अवस्था में इसके बारे में जानकारी ज़्यादा हो नहीं पाती है क्योंकि इसमें फुंसी हुई और कुछ बस निकल गया ठीक हो गया फिर कुछ दिन तक पड़ा रहा तो ऑफ एंड ऑन इस तरह से चलता रहता है. अगर इसको टाइम रहते अगर हम पाइलोनिडल साइनस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कई बार इसमें ब्रांचिंग पैटर्न होकर के एक मल्टीपल साइनस भी हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं पाइलोनिडल साइनस रोग का इलाज कैसे किया जाए. आजकल इस रोग में आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बिकॉज ट्रीट दवाइयाँ खाने के बावजूद इस रोग के दोबारा होने की संभावना बनी रहती है. नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज ऑफन हम इसमें यूजुअली डॉक्टर्स में सर्जरी रिकमेंड करते हैं. वी गो फॉर द पेशेंट गो फॉर सर्जरी और जेट प्लास्टिक कराते हैं बट इसमें भी सर्जरी के बाद भी इस रोग में अराउंड 15-20% केसेस में दोबारा होने की संभावना रहती है. जबकि आयुर्वेद में शास्त्रोक्त चिकित्सा द्वारा इसका इलाज पूरी तरह से संभव है. इसमें दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते और इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है. पाइलोनिडल साइनस में शास्त्रोक्त इलाज कैसे करते हैं इसके बारे में क्या है, पहले हम साइनस को प्रोबिंग के जरिए या फिस्ट या उसमें साइनोग्राम के जरिए उस ट्रैक को डिफाइन कर लेते हैं, साइनस को डिफाइन कर लेते हैं उसका क्या डेप्थ है, डायरेक्शन उसका क्या ब्रांचिंग पैटर्न है. और एक बार हमने ये इसको फाइनलाइज कर लिया था कि इसका ट्रैक के बारे में, फिर उसके बाद उसमें एक मेडिकेटेड थ्रेड या शास्त्रोक्त उसको प्लेस किया जाता है अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस. और वो थ्रेड प्लेस होने के बाद फिर पेशेंट का अपना घूमना फिरना चलना फिरना सब नॉर्मल रहता है. मेडिसिन जो है एक बार थ्रेड प्लेस कर दिया ट्रैक में तो दवाइयाँ धीरे धीरे उस थ्रेड से ट्रैक के अंदर डिजॉल्व होती रहती है, ट्रैक को क्लीन करती रहती हैं. ये ट्रैक ये मेडिसिन जो है 5-7 डेज में खत्म हो जाती है. तो थ्रेड हैज टू बी रिप्लेस, इसको हर वीक एक नया थ्रेड से रिप्लेस किया जाता है. धीरे धीरे ये ट्रैक अपने आप क्लीन होता जाता है, साथ साथ हीलअप होता रहता है. ऐसा देखा गया है कि शास्त्रोक्त चिकित्सा में जो पाइलोनिडल साइनस है वो ट्रैक 0.5-1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी पर वीक के हिसाब से ये हीलअप होता हुआ आता है. और इस तरह से बगैर ऑपरेशन इस रोग को हम आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त चिकित्सा पद्धति द्वारा पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और इसमें दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते. देयरफॉर इन केसेस ऑफ इन ऑल पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पाइलोनिडल साइनस से नो टू सर्जरी, गो फॉर स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त ट्रीटमेंट. अधिक जानकारी के लिए आप लाइब्रेट के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और विजिट द साइट www.iucure.com. थैंक यू वेरी मच.